राहुल, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश आसान है में। तो आज हम लोग जानेंगे सेमेस्टर 5 के पेपर 11 यूनिट 3 फास्टिंग फिजिटिंग रिटन बाय अनिता देसाई के बारे में। उस नोवेल में किस विषय में डील किया गया, क्या उसका ऑब्जेक्ट था, एम्बिनेशन क्या था बनाने का, सारे पे हम लोग बात करेंगे। उसका समरी भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम लोग फास्टिंग फिजिटिंग के कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें पहला कैरेक्टर इंडियन फैमिली आता है और दूसरा कैरेक्टर अमेरिकन फैमिली से आता है। तो इंडियन कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। इसमें मम्मा पापा आते हैं जिसकी 3 बच्चे हैं, उमा, अरुणा और अरुण। उमा सबसे बड़ी है और इस नॉवल की प्रोटागोनिस्ट है। अरुणा पढ़ने में कुछ खास नहीं है और उमा की छोटी बहन है और आगे चल के इसका अरविंद नामक एक रिच पीपल से शादी हो जाता है जो बॉम्बे का रहने वाला है। अरुण सबसे छोटा है और इसका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बदमाश करता है सिर्फ। सेकंड कैरेक्टर लिली आंटी और बकुल अंकल, इसके 2 बच्चे हैं अनामिका और रामू। अनामिका पूरे घर में सबसे खूबसूरत, तेज तरह और सबकी फेवरेट है और सबसे ज़्यादा पढ़ने में भी तेज है। अब हम लोग अमेरिकन कैरेक्टर में चलते हैं। मिस्टर पैटन और मिस पैटन, इसके 2 बच्चे हैं मैलिनी और रॉड। कुछ माइनर कैरेक्टर है उसको भी हम लोग ले लेते हैं। मीरा मासी शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त है और धार्मिक विधवा है। मिस ओ हेनरी अमेरिकन बैपिस्ट है जो उमा के गांव में रहते हैं। मदर एंग्स कन्वेंट स्कूल की सुपीरियर है। डॉक्टर दत्त एक डॉक्टर है जो आगे चल के उमा को अपने साथ काम में रखने के लिए बात छेड़ते हैं। मिस्टर जोशी मामा पापा के दोस्त और साथ ही साथ उसके पड़ोसी भी हैं। आया उमा, अरुणा और अरुण की देखभाल करने वाली आया थी छोटे में, और बाद में जैसे ये लोग बड़े हुए बाद में चल के आया हाउस होल्ड सर्वेंट बन गई, मतलब उस घर की नौकरानी बन गई। तो फास्टिंग फिजिटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं, जान लेते हैं इनको भी हम लोग। फास्टिंग फिजिटिंग लिखा गया है अनिता देसाई, जो एक इंडियन राइटर है और अनिता देसाई लड़की है, वुमेन है, और इसका फर्स्ट पब्लिकेशन ग्रेट ब्रिटेन के छठो एंड विंडोज में किया गया था सन 1999 में, और इसे नॉमिनेट भी किया गया था बुकर प्राइज के लिए 1999 में, और इसका फर्स्ट एडिशन 228 पेज का हार्डबैक के मीडिया में आया था। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका समरी से। तो समरी स्टार्ट होता है एक अनमैरिड और मैन कैरेक्टर उमा जो प्रोटैगोनिस्ट है और एक स्पिनिस्टर परिवार की बड़ी बेटी और अरुण के साथ परिवार के लड़के और बच्चों का जीवन पर केंद्रित है। नोवेल को 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट इंडिया में सेटअप किया गया है और उमा के जीवन पर फोकस है। सेकेंड पार्ट में अरुण के बारे में बताया गया जो स्कॉलरशिप लेके यूनाइटेड स्टेट अमेरिका चला जाता है और वहाँ पे उसको क्या क्या इफेक्ट होता है, रहन सहन, लाइफ स्टाइल, ये सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। फास्टिंग फिजिटिंग स्टार्ट होता है एक छोटे से शहर से जिसमें उमा और उसकी छोटी बहन अरुणा के बारे में बताया जाता है। ये दोनों बहनें पारंपरिक भारतीय घर में पली बड़ी हैं। उमा के माता पिता को मम्मा और पापा कहा जाता है। मम्मा और पापा दोनों अपने बेटियों को पारंपरिक रूप से घर को संभालने का तरीका सिखाने का कोशिश करते हैं, लेकिन उमा को कोई दिलचस्पी नहीं रहती है शादी और घर के कामों में सीखने में। वहीं पे उमा कन्वेंट स्कूल में जाके पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि उमा को पढ़ना पसंद था। पापा एक मिडिल क्लास गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट हैं जो अपने दैनिक काम और फैमिली पर हावी हैं। मम्मा अपने आप को एक अच्छे इंसान की पत्नी के रूप में देखती है,
इसीलिए मम्मा हर बात पर पापा का साथ देती है। अरुण के जन्म होने के बाद मम्मा पापा ने उमा से कहा, अब तुम स्कूल छोड़ दो और अपने भाई का देखरेख करो। उमा कन्वेंट स्कूल भाग जाती है और मदर एंड जो कन्वेंट स्कूल की सुपीरियर है उससे हेल्प मांगती है कि आप मेरे पेरेंट्स से बात करें ताकि मुझे स्कूल ना छुड़वाए। लेकिन मदर एंड्स भी साफ साफ मना कर देती है क्योंकि मदर एंड खुद सक्षम नहीं है कि उमा की मदद कर सके। उमा की चचेरी बहन अनामिका जो एक बहुत बहुत ही खूबसूरत लड़की है और पढ़ने में तेज है, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन उनके माता पिता बकुल अंकल और लिली आंटी मना कर देते हैं जाने के लिए। और अमीर और अनामिका के साथ ही एक सबसे धनी और सबसे अधिक पढ़े लिखे हुए इंसान से करा देते हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि अनामिका के पति और उसकी सास ने उसकी पिटाई की और नौकरों जैसा बिहेव करा। जैसे ही उमा बड़ी हुई उसे कोई पसंद नहीं करता शादी के लिए। सब कोई उसकी छोटी बहन अरुणा को पसंद करते थे शादी के लिए और उसी से बात भी करते थे शादी के लिए। शादी के 3 बार रिजेक्शन होने के बाद उमा को बहुत खराब फील होने लगा और मम्मा पापा को भी चिंता होने लगी। आखिरकार उमा की शादी एक बूढ़े से फिक्स हो गई और उससे शादी करवा दी गई। कुछ दिन बाद उस बूढ़े इंसान ने भी उमा को छोड़ दिया। मम्मा और पापा पूरा कोशिश करते कि उमा की फिर से शादी हो जाए बट होती नहीं है। और इसी बीच उमा की छोटी बहन अरुणा के शादी के कई रिश्ते आते हैं, तभी मामा पापा उसकी शादी बम्बई के एक अमीर इंसान अरविंद से करवा देते हैं। मामा पापा की देखभाल करने के बावजूद अरुण मामा पापा के लिए चिंता का विषय बना रहा, क्योंकि अरुण बहुत ही नटखट था, पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं था, सिर्फ खेल कूद ये वो मतलब बदमाशी करता था, इसलिए चिंता का विषय बना हुआ था मामा पापा का चिंता का विषय बना हुआ था। उमा घर से दूर जाने के लिए हर तरह का प्रयास करती है। तभी उमा की एक रिश्तेदार मीरा मासी जो धार्मिक विधवा है जो देश में स्वतंत्र रूप से घूमती है, वो मामा पापा को मनाती है ताकि उमा को अपने साथ आश्रम ले जा सके। उमा 1 महीने तक पूरा खुश रहती है और इधर उधर मीरा मासी के साथ घूमती है, पर मामा पापा उमा के कजन भाई रामू को भेज देते हैं उमा को रिटर्न लाने के लिए। डॉक्टर दत्त भी उमा को अपने यहाँ काम पर रखने के लिए रेडी थे और जैसे ही उमा के मामा पापा से बात किए तो यहाँ भी डॉक्टर दत्त को मना कर दिया गया कि नहीं, मेरी बेटी है, इसे कोई काम हम लोग नहीं करवाएंगे। और पता नहीं क्या क्या सोच आया तो यहाँ भी उनको मना कर दिया, घर से नहीं जाने दिया। अचानक एक दिन खबर आती है कि अनामिका जलकर मर गई है। ये सुसाइड है या मर्डर इस नॉवल में क्लियर नहीं बताया गया। लिली आंटी और बगुल अंकल अनामिकी के राख को नदी में बहा देते हैं। अब पार्ट भी अरुण पर फोकस किया गया। बहुत मेहनत करने के बाद अरुण ने अमेरिका में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप पा लिया और पढ़ने के लिए मैनचेस्टर पहुंचा। बहुत थक गया था पहले दिन पहुंचते पहुंचते अरुण, तो सो गया। पहला साल स्कूल में बिताता है। उसके बाद समर में अरुण एक अमेरिकन फैमिली मिस्टर पैटन और मिस पैटन और उसके बच्चों मेलेनिन और रॉड के साथ रहने के लिए पहुंचता है। मिस पैटन के घर इसलिए जाता है क्योंकि मिस ओ हेनरी मिस पैटन की सिस्टर थी जो उमा के विलेज में रहती थी और अमेरिकन बेपिस्ट थी मिस ओ हेनरी। इसलिए अरुण मिस्टर पैटन और मिस पैटन के घर जाता है रहने के लिए। लेकिन मिस पैटन अरुण का जोरदार स्वागत करती है और मिस पैटन को सब कोई अनदेखा करता है। उसका बेटा रॉड
वो भी अनदेखा करता है। उसकी बेटी मेलेनी वो अपने सिर्फ फोकस करती है काम में और खेल उल में। तो मिस पैटर्न हमेशा अपने साथ अरुण को शॉपिंग ले जाती, तो कभी नदी में ले जाती थी नहाने के लिए भी साथ में, और इसी तरह से आगे चलता गया स्टोरी। तभी हम लोग को पता चलता है कि अरुण अब गुस्सा हो जाता है अमेरिकन लाइफ स्टाइल से, अब उसको ये सब सूट नहीं कर रहा है, रहन सहन खान पान अब अरुण को बर्दाश्त नहीं होने लगा। वो जितना जल्दी हो सके वो घर भागने का कोशिश कर रहा था। तो जब मिस पैटर्न उसको रिवर के पास लेके गई थी, उस टाइम भी वो सोच रहा था किसी तरह से हम घर जाए, पर उसको मौका नहीं मिला। फाइनली जब समर खत्म होता है, गर्मी खत्म होती है, तो अरुण को एक पैकेज मिलता है उमा की तरफ से। उमा की तरफ से मिस पैटर्न को देने के लिए, लेकिन अरुण क्या करता है कि मिस पैटर्न को दूर से वो सामग्री दे देता है और अरुण यूनिवर्सिटी लौट जाता है, क्योंकि अब वो इस फैमिली के साथ रहना नहीं चाहता था। जितना जल्दी वो हो सके वो वापस जाने का कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा समरी फास्टिंग फिजिटिंग नॉवल का समरी खत्म होता है। तो इसका एक्चुअली कंक्लूजन देखा जाएगा तो अनामिका का मौत पे डिपेंड होता है कि वो एक्चुअली में मर्डर था या फिर सुसाइड था। यहीं पे ये कंक्लूजन आ रहा है। बाकी आपको जो लगे आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, और आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज पूछिए, हम बताने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से शेयर करेंगे। सो स्टे विथ मी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।